पाकिस्तान के लाहौर स्थित दाता दरबार दरगाह के बाहर बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें अब तक 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस हमले में जान गंवाने वाले 5 पाकिस्तान पंजाब पुलिस के एलीट फोर्स के कमांडो हैं, जबकि एक सुरक्षा गार्ड भी है। इसके अलावा इस आत्मघाती हमले में 25 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। दाता दरबार एक सूफी दरगाह है। इस हमले में घायल हुए लोगों को मेयो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 7-8 घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस हमले के बाद दाता दरबार को चारों ओर से घेर लिया गया, साथ ही दाता दरबार को बंद कर दिया गया। जायरीनों को दाता दरबार नहीं जाने की सलाह दी गई है। यह धमाका रमजान शुरू होने के एक दिन बाद सामने आया है। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर इस हमले के पीछे किस आतंकी संगठन का हाथ है। इस मामले को लेकर लाहौर के DIG अशफाक अहमद खान ने कहा कि दाता दरबार के गेट नंबर 2 के बाहर करीब बुधवार सुबह 8:45 बजे धमाका हुआ, तो पाकिस्तान पंजाब की एलीट फोर्स के कमांडो को निशाना बनाया गया। इसमें पंजाब एलीट फोर्स के 5 कमांडो, एक सुरक्षा गार्ड समेत 8 लोगों की मौत हुई। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। फिलहाल पूरे इलाके को घेर लिया। आपको बता दें, इससे पहले यहाँ पर साल 2010 में आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। पाकिस्तान समाचार चैनल जियो के मुताबिक दाता दरबार बम धमाके में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी तरह की न्यूज अपडेट्स में बने रहने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।